मेरी मुसलसल जदोजहद है, कंटिन्यूस एफर्ट है, और ये कंटिन्यूस एफर्ट बेरोज़गारी के दिनों में भी रही, कंटिन्यूस एफर्ट मेरी जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के दौरान भी रही, और ये कंटिन्यूस एफर्ट मेरी स्कॉलरशिप में भी रही, और ये कंटिन्यूस एफर्ट चाइना से लेकर मलेशिया तक ले गई। ये कंटिन्यूस बिलीव और एफर्ट जो है दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड माई दिस लिटिल बिट सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहमराज चांडियो है। मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजादकोट के तालका वारा के एक छोटे से गांव निहाल तन्यो से है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल निहाल तन्यो से है, और उसके बाद जो हाई स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन भी वारा शहर के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज से है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने जो है BS डिग्री की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक टाइम पे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मेरा ख्वाब था, यूनिवर्सिटी में जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मेरा एक ख्वाब मैंने देखा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में लेक्चरर बनूं। मैंने ख्वाब देखा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में लेक्चरर बनने के बाद फ़ॉरन से PhD करूं। मैंने उस वक्त ख्वाब देखा कि सिंध यूनिवर्सिटी की जो सोसाइटी है उसमें मेरा अपना घर हो। तो जब मुझे वो ख्वाब जहन में आया और मुझे ये विज़न मिला थर्ड ईयर में आके, फाइनल ईयर आकर मैं सिंध यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रहा था, तो उसके बाद मैंने उस हिसाब से पढ़ना शुरू किया, मैंने प्लानिंग करना शुरू की, मैंने टीचर से पूछना शुरू किया कि आपकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई है। तो फिर वो जब मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने मुसलसल उस चीज़ की एफर्ट की, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती थी सिंध यूनिवर्सिटी में, मैं कहाँ भी होता था, कराची में होता या कंबर में होता, मैं वो अप्लाई करता उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पहुँच जाता था। इस तरह मैंने सिंध यूनिवर्सिटी की उस टाइम पे जब हमने ग्रेजुएशन की तो मुसलसल रिसर्च असिस्टेंट की जो जॉब्स आ रही थी तो उस जॉब्स में मैं अप्लाई करता रहा। हर दफ़ा मेरा जो टेस्ट स्कोर होता टाइप 5 टॉप 10 में होता, लेकिन इंटरव्यू में मैं रह जाता। तो ये जो मुसलसल एफर्ट थी, मैंने नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ जो MIS ऑफिसर ज्वाइन की थी, डिस्ट्रिक्ट कंबर में मेरी जॉब थी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थी, लेकिन सिंध यूनिवर्सिटी में जब जॉब आती मैं टेस्ट देने आता, पास हो जाता, इंटरव्यू में रह जाता। ये मरहला 7 दफ़ा रहा। 7 टाइम्स अटेम्प्ट के बाद जब 8th टाइम यहाँ पे फिर पोस्ट अनाउंस हुई, मैं फिर पहुँच गया, मैंने टेस्ट दी, मैंने वहाँ फिर टेस्ट पास किया, और इंटरव्यू में भी 8th टाइम जब मैंने अटेम्प्ट की तो मैं यहाँ पे पास हो गया, और एज अ रिसर्च असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस में अपॉइंटमेंट हो गई। तो उस टाइम मुझे फील हुआ कि जो मुसलसल जो जदोजहद थी मेरी सिंध यूनिवर्सिटी में आने की, मैं उस ड्रीम को जो मैंने देखा था, उस ड्रीम के पीछे मेरे जो लगाव था, मेरा जो जज्बा था, जो जुनून था, वो मुझे पुश कर रहा था कि मैं कंटिन्यूसली जदोजहद करूँ, एक दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ये यकीन था मुझे। उस यकीन ने एक दिन रिसर्च असिस्टेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, उसके बाद यहाँ पे एक लेक्चरर की जो पोस्ट आई तो उसमें मैंने 3 टेस्ट पास किए सिंध यूनिवर्सिटी में भी, के कैंपसेस में भी, और यहाँ कंप्यूटर साइंस में भी। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में फिर बाद में मैं लेक्चरर भी बन गया, लेकिन ये मेरा 8th अटैम्प्ट था जिसमें मैं लेक्चरर बना, और 2 अटैम्प्ट रहते थे। लेकिन ये 8 अटैम्प्ट देते हुए जब मैं लास्ट टाइम जब मैं रिसर्च असिस्टेंट बना था, तो उस टाइम में सिंध की जो लैंड डिजिटलाइजेशन डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहा था, लेकिन उस टाइम जब सब ने कहा कि लैंड डिजिटलाइजेशन में आगे जाके बहुत से मौके हैं, और यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की जॉब 7500 सैलरी है, तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा मेरा ख्वाब बहुत बड़ा है, मैं लैंड यूटिलाइजेशन में, रिवेन्यू में, ये क्लरिकल या आगे जाके सेक्शन ऑफिसर से बड़ा ख्वाब है मेरा, मेरा ख्वाब PhD है, मेरा ख्वाब जो है प्रोफेसर लेक्चरर बनना है। तो मैंने आके यहाँ ज्वाइन किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चरर भी बन गया। तो जो लोग ख्वाब के पीछे चलते हैं और उस ख्वाब सिर्फ देख के ख्वाहिश नहीं होती, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं, मुसलसल पढ़ते रहते हैं, जदोजहद करते रहते हैं, तो आई थिंक दे कैन अचीव 1 डे इन अ लाइफ। एक टाइम मेरा ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूँ, और उस टाइम मेरी फैमिली की भी ये डिज़ायर थी कि मैं ख्वाब डॉक्टर बनूँ, लेकिन जब डॉक्टर के टेस्ट हुए इंटरमीडिएट के बाद, मैंने 2 अटैम्प्ट किए लेकिन मैं दोनों अटैम्प्ट में रह गया, लेकिन आज मैं PhD डॉक्टर हूँ। तो ये अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, सम हाउ यू अचीव योर रिवार्ड फ्रॉम समवेयर एट आफ्टर सम टाइम। तो ये जो मुसलसल जदोजहद और मेहनत है कभी भी रायगान नहीं जाती, जो एनर्जी है ये सेव होती रहती है आपके बैकग्राउंड में, और समटाइम्स यू अचीव समथिंग दैट इज़ मार्वेलियस, दैट इज़ मोर देन व्हाट यू ड्रीम एट योर फर्स्ट स्टेज। मेरी ज़िंदगी में हमेशा जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो जो सेकंड मेरा ऑप्शन है वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन रहा है। मैंने जब 6th क्लास में एडमिशन लिया था तो सेक्शन ए में एडमिशन हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ से चेंज करा के सेक्शन बी में चला गया था। जब फर्स्ट ईयर की बात आई तो मैंने फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की का सोचा, और एडमिशन में फॉर्म भी भर दिया। 8 महीनों के बाद जब मैंने वो
एडमिशन फॉर्म कैंसिल करवा के मैंने प्री मेडिकल में एडमिशन ले ली। इसी तरह सिंध यूनिवर्सिटी में जब मेरी फर्स्ट टेस्ट में एडमिशन हुई थी 2001 बैच में, तो मेरी केमिस्ट्री में हुई थी। मेरे वालदेन ने मुझे शॉपिंग कराई और मुझे यूनिवर्सिटी भेज दिया, मैं आके यहाँ रहा। लेकिन केमिस्ट्री की जो एक महीना पढ़ने के बाद मैं केमिस्ट्री से मुतमिन नहीं हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस घर जाऊँगा, और मैंने अपना जो सामान था, बिस्तर था, सब उठाया और वापस घर चल गया। और मुझे मेरे रास्ते में मुझे वाल साहब मिले, जो घर से पहले ही उसी गली में मुझे वाल साहब मिल गए, कहने लगे क्या हुआ, एक महीना भी नहीं हुआ तुम यूनिवर्सिटी गए थे। तो मैंने मुस्कुरा के कहा पापा मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं केमिस्ट्री में नहीं पढ़ूंगा। तो वो मुस्कुराए और उसने कहा ठीक है अगले साल की तैयारी करो, किस में पढ़ोगे। ये बात हुई हमारे रास्ते में, मैं घर गया और मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूँ कि जो घर वालों का जो तावन होता है, जो वो आपको साथ देते हैं, वो आपकी कामयाबी में रीढ़ की हड्डी की तरह है। तो वो दिन जब मेरे वालिद ने इस पर गुस्सा नहीं किया और मुझे कहा नेक्स्ट अटेम्प्ट देना, तो आफ्टर 6 मंथ सिंध यूनिवर्सिटी में दोबारा टेस्ट हुए और मेरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो गया, जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था। तो इसी तरह मैं पीएचडी के लिए जब मेरी स्कॉलरशिप हुई तो बहुत बड़ी स्ट्रगल हुई। हमें स्कॉलरशिप मज़हर हक़ सिद्दीकी के दौर में 2009 में मिली, और उसके बाद मज़हर हक़ सिद्दीकी के जो वाइस चांसलर के तौर पे हटा दिए गए, और जो नज़ीर मुग़ल साहब वाइस चांसलर होके आए, तो उसने बेस्ट टाइम आके ये बात फैलाई कि कंप्यूटर साइंस के और आईटी के जो हैं बहुत सारे लोग पीएचडी करके आए हैं, उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दो। तो उस स्ट्रगल में उसने बहुत मैनेज किया, उसने सोशल साइंस और आर्ट्स फैकल्टी वालों को में भी प्रोपेगेंडा फैलाया कि आप लोगों की स्कॉलरशिप से ये कंप्यूटर साइंस वाले बार बार क्यों जा रहे हैं। तो इस स्ट्रगल में हमें 3 से 4 साल लगे मुसलसल अपना केस लड़ते हुए कि वी डिज़र्व, वी हैव ऑलरेडी रिसीव द वाट वी हैव फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, और हमने ये तैयारियाँ कर दी हैं, ये ख्वाब देख लिया है, हमें स्कॉलरशिप की जो है लेटर मिल चुकी है, तो हम कैसे एलिजिबल नहीं हैं। और इस स्ट्रगल में हम 3-4 साल मुसलसल जदोजहद करते रहे, और वाइस चांसलर या डायरेक्टर प्लानिंग के साथ या मुख्तलिफ दोस्तों के साथ जितनी पॉलिटिक्स हो रही थी उस पॉलिटिक्स को फेस किया। लेकिन कुछ सालों बाद, 4-5 सालों बाद हमें दोबारा इस शर्त पे लेटर दिया गया कि आपको ट्यूशन फीस नहीं दी जाएगी। और ये हुआ, हमने कहा ठीक है ट्यूशन फीस ना दी जाए, हम स्कॉलरशिप हमारी कंटिन्यू की जाए। तो वो मुसलसल जो फेस था स्कॉलरशिप हासिल करने का, वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, और परेशानियों की वजह से हमने हिम्मत नहीं छोड़ी और हमने वो स्कॉलरशिप हासिल की और चाइना चला गया पीएचडी करने के लिए। लेकिन जो मैं पीछे कह के आया हूँ कि मेरा हमेशा मेरे लिए सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहता है, मैं चाइना में जाने के बाद 5-6 महीना फैमिली के साथ चला गया, लेकिन वहाँ मुझे फील हो रहा था कि जैसे मैं चाइना में पीएचडी नहीं कर पाऊँगा, मुझे लग रहा था कि ये इन्वायरमेंट मुझे कैच नहीं कर रहा। मैंने फील किया इंटरनली कि मैं रिजिस्ट कर रहा हूँ चाइना में रहने से, ये मेरे साथ ही हुआ। तो मैंने ये फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं चाइना में पीएचडी नहीं करूँगा। मैंने यूनिवर्सिटी से रब्ता किया, यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, आपको ये पैसे देने वापस देने पड़ेंगे, और ये भी गारंटी नहीं है कि आपको किसी और मुल्क के लिए हम ट्रांसफ़र करें देंगे। लेकिन मैं वहाँ से डिसीजन लिया, मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने मलेशिया में कोशिश की और मेरी एडमिशन मलेशिया में हो गई। फिर मैंने एफर्ट्स लिए की, एप्लीकेशन दी और फिर मैं मलेशिया चला गया। लेकिन एक बड़ी बात, जब मैं चाइना से वापस आया और मैंने अपने वाल साहब को बताया कि मैं चाइना से पीएचडी नहीं करूँगा, तो उसने कहा कहाँ से करोगे, मैंने कहा मैं मलेशिया से करूँगा। मेरे वाल साहब ने कहा कि यस तुम मलेशिया से कर सकते हो, तुम कर लोगे। तो ये जो इनक्रेजमेंट होती है, ये जो इंस्पायरेशन होती है, ये जो फैमिली की सपोर्ट होती है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी रही। और मलेशिया चला गया चाइना से और मैंने मलेशिया से पीएचडी करी। तो ये असल में मेरे लिए, जो लोग सोचते हैं कि हमेशा जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर वो अपनी पूरी मेहनत के बावजूद, पूरी लगन के बावजूद जब चीज़ें नहीं मिलती, तो इसका मतलब है खुदा का कोई और राज है, किस्मत ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा हुआ है। तो उस वक़्त सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और वो सेकंड ऑप्शन जो है, जो आपकी किस्मत में आपके लिए लिखा हुआ है, उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रगल कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जब से मैं सोचता हूँ कि मैं वापस आया, फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आजकल काम कर रहा हूँ सिंध यूनिवर्सिटी में, और मैंने पीएचडी कर ली। जब मैं चाइना गया था तो मेरी विशेष मेरे साथ चली, तो उसके जो प्राइमरी टीचर थी, मैंने कहा कि आप प्राइमरी टीचर की जॉब छोड़ दें, और यहाँ स्टडी लीव नहीं मिली तो हमने प्राइमरी टीचर की मैंने जॉब छोड़वा दी उसे, और मैं मलेशिया तक उसको लेके गया और उसने मास्टर्स की वहाँ से। हमारे पास लास्ट में 2 ऑप्शन थे, मेरी फ़ीस जमा करानी थी या जो मेरी मिसेस की डिग्री निकलवाने के लिए उसकी फ़ीस जमा करवानी थी। तो मैंने लास्ट में ये डिसाइड किया कि मैं 1 साल बाद डिग्री ले लूँगा, लेकिन मैंने मिसेस की फ़ीस वहाँ जमा करवा दी और उसने मास्टर्स कर लिया लाइब्रेरी साइंस में। तो मैंने इन्वेस्ट किया और इसी तरह मैंने सोचा
और मेरी जो पीएचडी की जो वाइवा थी एक साल बाद हुई, हालांकि मैंने पीएचडी 3 साल में जमा करा दी थी, वो एक साल पूरा गुजर गया तो उस वक्त मेरे जहन में ये होता था कि मेरे हमेशा काम हो जाते हैं भले डिले हो, तो वो डिले करना मेरे लिए हमेशा बेकरारी नहीं रहा, मैंने सब्र किया है डिले करने में। तो हम जो सोचते हैं, मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी से कंपटीशन नहीं किया, सेल्फ असेसमेंट। एक मरतबा मेरी 400 में से 23 मार्क्स आई थी, तो मैंने मेरे जो दोस्त थे या मेरे अंकल थे उसने कहा कि 400 में से 23 दिस इज़ वेरी पुअर रिज़ल्ट। तो मैंने ये कहा था कि मैं मुतमिन हूँ, उसने कहा कैसे मुतमिन हो, मैंने कहा ये 24 चैप्टर्स में से टेस्ट आया था, मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे, अब जो 2 चैप्टर में से जितने सवाल आए वो मुझे आते हैं तो मैं क्यों परेशान हूँ, जब 24 चैप्टर्स पढ़ लूँगा तो मेरे भी हो सकता है 3 पर आ जाएँ। तो मैं हमेशा सेल्फ असेसमेंट जो मेरे इंटरनल एप्टीट्यूड रहा है कि मैं किसी के साथ रेस नहीं लगाता, मैं अपनी रेस खुद लगाता हूँ। तो मेरा जो कंपटीशन किसी फ्रेंड्स के साथ नहीं रहा, मैंने कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन में बिलीव किया है, और माय सक्सेस के पीछे जो असल राज है वो है कि मैं अपनी मंजिल पे नज़र रखता हूँ, दूसरों की मंजिल पे नहीं, मैं अपनी मंजिल पे अपनी रफ्तार से पहुँचने की कोशिश करता हूँ, दूसरों के साथ दौड़ के नहीं। तो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ जो रिफ्लेक्शन है मेरी लाइफ में वो यही है कि आप सेल्फ कंटिन्यूस एफर्ट और एक ख्वाब देखना, कंटिन्यूस एफर्ट करना और उसके साथ साथ मुसलसल जदोजहद जारी रखना और उसके साथ साथ मुतमिन रहना कि एक दिन रिज़ल्ट मिलेगा, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। मैं प्राइमरी में जब था, हमारी जो फैमिली है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, हैंड टू माउथ फैमिली रही है। आजकल तो हम नौकरियों में हैं लेकिन शुरू से जब बाबा ने हमारे पर मेहनत की तो मेरे बाबा गांव छोड़ के एक दोबारा टाउन में एक छोटी सी शॉप चलाते थे। तो उस टाइम प्राइमरी में मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने बाबा से बोला था एक पेन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो 12 रुपये में मिलती है, आप मुझे वो दिला दें मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो मेरे बाबा ने कहा था कि मैं 12 रुपये एक साथ तो नहीं दे सकता लेकिन आपको जब भी मैं 1 हफ्ते के बाद आऊँगा आपको 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ दे के जाऊँगा, इस तरह जमा करके तुम अपने टीचर से वो पेन मंगा लेना। तो 1 हफ्ते वो आए, उसने 5 रुपीज़ दिए, नेक्स्ट वीक जब वो आए तो उसने फिर 5 रुपीज़ दिए, बाकी 2 रुपये रहते थे। तो उस थर्ड वीक में वो आए नहीं और जब 4th वीक में आए तो उसने मुझे बाकाया 2 रुपये दे दिए और फिर मैंने वो टीचर को दिए। तो वो मुझे 12 रुपये की जो पेन थी उसके लिए 1 महीना इंतज़ार करना पड़ा। तो ये हमारी फैमिली थी जिसके बेसिस पे, बाबा की सपोर्ट की बेसिस पे और इस तरह स्ट्रगल करके हम यहाँ पहुँचे। तो अगर हम अपने सब्र करते हैं और अपने वालदेन का साथ हमारे साथ होता है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जो मैं सोचता हूँ, एक मरतबा ये भी हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मेरे जो भाई हैं बड़े वो लेबॉरेटरी असिस्टेंट थे, 3 ग्रेड की जॉब थी 3 स्केल की। तो उस एक मरतबा जब मुझे कोई फीस वगैरह जमा करानी थी तो मैंने भाई को फ़ोन किया तो उसने कहा कि मैंने पूरी सैलरी तुम्हें भेज दी है, सिर्फ 200 रुपये अपने पास रखे हैं ताकि मैं किराया करके वापस घर जाऊं और अगले हफ्ते तक ड्यूटी तक आ सकूं। तो वो जो इस तरह के जो सपोर्ट है फैमिली की, तो जब यही सपोर्ट हमें यहाँ तक पहुँचाती है कि हम आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और उसके अलावा एक बात ये भी कि एक मरतबा ये हुआ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुँचा और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक अमेरिकन इंग्लिश कोचिंग सेंटर में एडमिशन भी लेनी थी जो तिलकचाड़ी का हैदराबाद में, तो उस टाइम पे पैसों का थोड़ा मसला था। तो मेरे अंकल ने, वो काम करते थे EFU में और उसने एक अवार्ड मिला था, उसको बड़ी डेग थी जो उसको अवार्ड में मिली थी। तो उसने कहा अभी तो पैसे नहीं है लेकिन ये डेग सेल करके मैं तुम्हें एडमिशन दिला दूँगा। तो ये फैमिली की जो सेक्रीफाइसेस हैं और उन सेक्रीफाइसेस के बेसिस पे जो मेरी मुसलसल जदोजहद है, कंटिन्यूस एफर्ट है, और ये कंटिन्यूस एफर्ट बेरोज़गारी के दिनों में भी रही, कंटिन्यूस एफर्ट मेरी जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के दौरान भी रही, और ये कंटिन्यूस एफर्ट मेरी स्कॉलरशिप में भी रही, और ये कंटिन्यूस एफर्ट चाइना से लेकर मलेशिया तक ले गई। ये कंटिन्यूस बिलीव और एफर्ट जो है दैट इज़ एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड माई दिस लिटिल बिट सक्सेस। तो ये आज भी मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको ड्रीम देखना चाहिए, बड़ा बहुत बड़ा ड्रीम देखना चाहिए। जब वो किसी यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं, किसी कॉलेज में पहुँचते हैं, किसी इदारे में पहुँचते हैं तो वो बहुत बड़ा ड्रीम देखें, वो देखें कि उनकी फील्ड में कौन सा टाइकून है, कौन सा उनकी फील्ड में बहुत बड़ा नाम है, उस नाम के साथ अपने आप को अटैचमेंट कर लें, गूगल के ओनर के साथ अटैच कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट के ओनर के साथ को आप से इंस्पायर हों, आप बिजनेस में जाके जैकमा के साथ इंस्पायर हों, साइंटिस्ट
आइंस्टाइन से इंस्पायर हों, एडिसन से इंस्पायर हों, आप सोशियोलॉजी में तो उसके बड़े बड़े नाम से इंस्पायर हों, जिस फील्ड में जो भी है अगर वो उसको अपना रोल मॉडल बना ले और उस रोल मॉडल की बेसिस पे वो जो मेहनत है, रिक्वायरमेंट है, उसकी प्लानिंग करके प्रॉपर अगर मेहनत करता रहे तो कोई मुश्किल नहीं कि बंदा कामयाब हो। एक बंदे ने ख्वाब देखा कि वो एडिसन के साथ अपना जो पार्टनरशिप लेगा, उसके पास पैसे नहीं थे, वो अमेरिका के किसी रियासत में था, वो माल गाड़ी में चोरी छुपके से बैठा और एडिसन के ऑफिस के शहर तक गया और वहाँ से एडिसन के ऑफिस में गया और वहाँ पे एडिसन से मिला। एडिसन ने इसको बहुत छोटी मोटी जो है सपोर्टिंग स्टाफ की जॉब जैसे वो दे दी और वो बाद में एडिसन का पार्टनर बना सेल्स डिपार्टमेंट में, उसकी जो कंपनी की सेल्स थी उसकी उसमें पार्टनर बना। तो ये जो ख्वाब देखते हैं लोग, जो देखते हैं कि हमें क्या बनना है, उस ख्वाब के पीछे दौड़ते हैं, उस ख्वाब को पीछे दौड़ने के लिए ज़रूरी है कि वो इकदाम करते हैं तो वो अपना ख्वाब अचीव कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।